दूसरे ओवर के साथ आएंगे यहाँ पे शालीमार क्रिकेट अकेडमी के चौथे ओवर के साथ। यहाँ पे हमाद बहुत ही पहला बहुत ही उमदा लाइन पे बॉल की हमाद ने, जो कि बैट्समैन बहुत कंफ्यूज हो चुके थे, स्लो चेंज ऑफ पेस किया जफा हमाद ने। हमाद इस दफ़ा थोड़े से टेढ़े रन अप से आ रहे हैं, शायद इस दफ़ा बड़ा स्विंग है, बड़ा काम करेंगे या बड़ी विकेट लेंगे। हमाद आए इंपैक्ट क्रॉस किया, बहुत आला स्विंग किया इस दफ़ा हमाद ने। हमाद बहुत ही उम्दा लाइन पे, बहुत ही उम्दा पेस से, उम्दा स्विंग से बॉल कर रहे हैं हमाद अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद के साथ। हमाद इस हेयर हेयर वी गोइंग पार्क क्रॉस किया, अमदा बॉल इस दफा फिर चेंज ऑफ पेस किया, शॉर्ट बॉल दिया, बहुत ही अमदा बॉल। इस बॉल पे फिर से एक रन का इजाफा, फरहान वर्सेस हमाद। अब देखते हैं क्या होता है, हमाद का विकेट ले सकते हैं या फिर इनको कैच आउट करवा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हमाद डू विद फरहान और फराद, व्हाट विल डू विद हमाद। हियर वी गो, ओ ये कोई बहुत ही बड़ी मिसफील्ड की है, यहाँ पे सिंगल भी नहीं बनता था, सिंगल पे भी रन आउट हो सकता था, यहाँ पे आराम से उन्होंने दो रन ले लिए। ये बहुत पुअर फील्डिंग है अब्दुर्रहमान मुस्तफ़ा की। क्या देखते हैं हमाद अपने पांचवी गेंद के साथ क्या करते हैं फरहान के साथ। और ये यहाँ पे एक एज लग रहा था लेकिन नहीं है ये एज। हमारे कीपर हैं वारिस पूरी, जो कि बहुत ही अच्छे कीपर हैं, और थोड़ा बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं हमारे वारिस भाई, और जूनियर्स में भी ये बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, सीनियर्स में भी बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं। बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, एज अ बैट्समैन ये 50 भी करते हैं तकरीबन हर मैच में, और अपनी कामयाबी इंशाल्लाह जल्दी छुएंगे। इनके साथ साथ इनके साथ इसके साथ साथ हमाद का ओवर ख़त्म हुआ, और अब दोबारा फहीम आएंगे अपना तीसरा ओवर करने के लिए। शायद आज फहीम अपना पूरा जिगरा, पूरी एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा कर जाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं कह सकते आप, अपनी पूरी जान लगा कर जाएंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत है इस बॉलर के पास। पहली बॉल पे बहुत उम्दा चौका लगाया फहीम खान को फरहान ने, पहली बॉल पे मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में से गेंद निकल के गई, और इसके साथ साथ पहली गेंद पे चार रन का इजाफा फरहान ने। पहली बॉल पे पेस का फ़ायदा उठा के मिडल किया बैट का, इसके साथ साथ उसके चौका निकल गया। चांद क्रिकेट एकेडमी ने 4.1 बॉल पे 20 रन किया। देखते हैं अब 4.2 पे क्या करते हैं फरहान अपनी शान क्रिकेट एकेडमी के लिए। शायद इस दफ़ा कोई बड़ा बॉल करने जा रहे हैं फहीम, चेंजिंग ऑफ द फील्डिंग कर रहे हैं वहीं। हियर वी गो, एम्पायर को क्रॉस किया, ओ चेंज ऑफ द पेस, इन स्विंग हुआ ये वाला बॉल, बहुत बड़ा इन स्विंग हुआ। इसके साथ साथ एम्पायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल।
में अपने बोल के साथ यकीनन ये कैश नहीं है। बहुत उम्दा चौका लगाया फरहान ने, फिर फरहान ने इस दफा फहीम की लाइन को समझ चुके हैं या फिर उसकी पेस का फायदा उठा रहे हैं। फहीम थोड़ा सा गुस्से में जा रहे हैं, जब फवाद खान उनको समझा रहे हैं। दाऊद खान जो कि फील्डर ऑन द मिड ऑन, लेट्स सी व्हाट फहीम विल डू इन द नेक्स्ट बॉल। फहीम ने 2.2 पे 17 रन दे दिए, 2 चौके इस ओवर में पड़ चुके। देखते हैं फहीम क्या करते हैं। और ये यकीनन एक और चौका, बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अंपायर का इशारा इट्स अ नॉट अ फोर, और दाऊद की जबरदस्त फील्डिंग ने ये चौका बचाया। दाऊद बहुत ही उम्दा फील्डिंग की वजह से ये चौका बचा चुके हैं। इट्स अमेजिंग फील्डिंग, इट्स अमेजिंग शॉट। अब थोड़ी सी प्लानिंग हो रही है या फिर पानी का सीन, वाटर ब्रेक।